मुंबई हमले के केस में लखवी को अदालत ने दे दी थी जमानत, जिसके बाद दूसरे मामले में हिरासत में लिया गया था 26/11 का गुनहगार। आंध्र प्रदेश के वारंगल जा रही बेंगलोर पुलिस की टीम, धमाके की जगह पर मिले थे तेलुगु पेपर के टुकड़े। होर्डिंग के बाद लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को निराशा, दूसरी ओर लगे बढ़िया क्वालिटी का सीसीटीवी भी नहीं कर रहा था काम। बेंगलोर ब्लास्ट की साजिश रचने वालों को कराची के खाते से फंडिंग का शक, गिरफ्तार आतंकी ने लिया एजेंट और बैंक का नाम। बैंगलोर धमाके में आतंकियों की सूचना देने वाले को मिलेगा 10 लाख का इनाम, बैंगलोर पुलिस ने की घोषणा। पब्लिक के लिए खोला गया चर्च रोड, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी कड़ी, हर 500 मीटर पर तैनात होंगे सुरक्षाकर्मी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर हलचल तेज, बीजेपी प्रभारी राम माधव ने की राज्यपाल एन एन वोरा से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को पीडीपी का झटका, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से महागठबंधन के संकेत। मजबूत सरकार के लिए दोनों से लिखित आश्वासन चाहती है पीडीपी, अभी तक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दिया लिखित भरोसा। दिल्ली में चुनाव से पहले जनता पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, 1 जून 2014 तक बनी अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया फैसला, सरकार के फैसले से दिल्ली के करीब 60 लाख लोगों को होगा फायदा। द कट ऑफ डेट फॉर द रेगुलराइजेशन which was earlier 31st March 2002 has been extended to 1st June 2014. दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के आएंगे अच्छे दिन, सरकार के फैसले से 895 कॉलोनियां होंगी नियमित। मोदी कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दी मंजूरी, अध्यादेश में किसानों में के मुआवजे में कोई बदलाव नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक अध्यादेश में किसान और इंडस्ट्री दोनों के हितों को रखा गया है ख्याल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर कर लोगों को हैरत में डाला, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कल्याण तक लोकल से किया सफर, सुरक्षा का जायजा लेना था मकसद। महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद संजय धोत्रे के किसानों पर बयान से छिड़ा विवाद, बीजेपी सांसद ने किसानों की समस्या को सियासी देन बताया और फिर खींच में कहा ध्यान मत दो इन्हें मरने दो। एनसीपी ने बीजेपी सांसद संजय के बयान पर किया पलटवार, कहा मोदी ने प्रचार में उठाया था किसानों की आत्महत्या का मुद्दा, लेकिन अब सामने आया बीजेपी का असली चेहरा। धर्मांतरण पर बोले बिहार के सीएम जितेंद्र राम मांझी, कहा स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना कानूनी अपराध नहीं। इलाहाबाद के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में कथित धर्म परिवर्तन रोकने पहुंचे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई, इंस्टीट्यूट में तैनात सुरक्षा गार्डों ने पीटा। फिल्म पीके पर बड़ा विवाद, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, बजरंग दल की हरकतों की करता हूं निंदा, क्या मोदी गुजरात की सीएम को कार्रवाई के देंगे निर्देश। फिल्म पीके पर बवाल बरकरार, कानपुर और फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बिहार के भभुआ में एक महिला डीएसपी ने एसपी पुष्कर आनंद पर लगाया यौन शोषण का आरोप, डीएसपी के मुताबिक एसपी ने शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध। डीएसपी का आरोप, एसपी ने बाद में शादी से किया इनकार, करियर तबाह करने की दी धमकी, एसपी के खिलाफ केस दर्ज। मेरा करियर खराब करने तक की धमकी दी और मैंने सोचा कि इनका ये चेहरा जरूर सामने आना चाहिए समाज में, ताकि इस तरह से शीर्षस्थ पदों पर रहने वाले पदाधिकारी जो अपने महिला कर्मियों को
यूज एंड थ्रो की नीति के तहत कार्य करते हैं, समाज जाने। एसपी पुष्कर आनंद मामले को बताया बदनाम करने की साजिश, कहा शादी के वादे का नहीं है एक भी सबूत। संत गुरमीत राम रहीम पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा कानून के खिलाफ काम करने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया के सामने मंडरा रहा है हार का खतरा। 150 से पहले ही गिर गए भारत के 6 विकेट, रहाणे भी चलते बने। जीत के लिए टीम इंडिया के सामने 384 रनों का लक्ष्य, अभी भी 200 से ज्यादा रनों की है जरूरत। दूसरी पारी में शुरुआत में ही लगा टीम इंडिया को झटका, शिखर धवन 0 पर बोल्ड, लोकेश राहुल 1 पर आउट। भारत की ओर से विराट कोहली ने बनाए 54 रन, मुरली विजय ने 11 रन बनाए और लौटे पवेलियन। आज ऑस्ट्रेलिया ने 318 रन पर घोषित की अपनी दूसरी पारी, शॉन मार्श ने बनाए सबसे ज्यादा 99 रन। दिल्ली में ठंड और शीतलहर का कहर जारी, सीजन का दूसरा सबसे ठंडा दिन, 3 डिग्री तक लुढ़का तापमान। शीतलहर से कांपा पूरा उत्तर भारत, पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर 2 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। जाड़े से ठिठुर रहे मध्य भारत के कई इलाके, नागपुर से लेकर खजुराहो तक लोगों को शीतलहर ने किया परेशान। दूसरे दिनों की तुलना में कम है कोहरा, लेकिन ट्रेनों की आवाजाही पर असर, कई उड़ानें भी लेट, परेशान है रेल और हवाई मुसाफिर। फिलहाल नहीं मिलेगी ठंड से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। श्रीलंका के चुनावी समर में दिखेगा बॉलीवुड का दमखम, फिल्म अभिनेता सलमान खान अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के साथ राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे का करेंगे प्रचार। सलमान को राजपक्षे के बेटे नमाल ने दिया प्रचार का न्योता, साथ जाएंगे 5 और अभिनेता। श्रीलंका में सलमान के सियासी प्रचार की खबरों के बीच भारत में तमिल संगठनों ने सलमान का किया विरोध, वाइको ने भी उठाया सवाल।